नागपुरातील जामठा स्टेडियम येथे दुसरा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळवण्यात येणार असून नागरिकांमध्ये मोठा उत्साह बघायला मिळतोय. तर जामठा स्टेडियम येथे ट्रॅफिक नियोजनाकरिता पोलीस देखील सज्ज आहे. टू व्हीलर्स चालकांनी हेल्मेट सोबत ठेवावे. जे बिना हेल्मेट किंवा ट्रिपल सीटवर येतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केल्या जाईल अशी माहिती पोलीस आयुक्त मितेश कुमार यांनी दिली आहे. तर 3 वर्षांनंतर होणाऱ्या या सामन्याच्या नियोजन आणि बंदोबस्तासाठी आम्ही सज्ज आहोत असे देखील ते यावेळी म्हणाले. इसमें रखें उस मैच के दरम्यान 4 व्हीलर से जो लोग आ रहे हैं अगर ड्राइवर्स लेके आएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा उनको, ताकि वो एयरपोर्ट वो स्टेडियम के पास ड्रॉप होके गाड़ी दूर में पार्क हो सकती है. 2 व्हीलर्स के लिए विशेष तौर पे हमारी सूचना रहेगी कि हेलमेट के सिवाय वो जामठा एरिया के परिसर में आना वर्जित होगा और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. ट्रिपल सीट पे तो डेफिनेटली बहुत ही कड़क कार्रवाई होगी, लेकिन साथ में एक ध्यान उनको रखना पड़ेगा कि हेलमेट चूँकि स्टैंड स्टेडियम के अंदर अलाउड नहीं है, तो हेलमेट को जो लॉक व्हीकल्स के पास करना होता है उसकी व्यवस्था लोग करके आएँ तो उनको थोड़ी सहूलियत होगी. पुलिस ये पूरा आयोजन शांति से हो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है. लोग उत्साह के साथ मैच देखें इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और लोगों को मदद करेगी. साथ में स्टैंड्स के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पे सीसीटीवी कैमरास और हमारी मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल्स के कैमरास लगाए गए हैं. अगर किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक हालचली किसी प्रेक्षक के द्वारा या किसी और के द्वारा की जाती है तो पुलिस उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है. मुझे पूरा विश्वास है कि बंदोबस्त बहुत अच्छे तरीके से और पूरी मैच की ये इवेंट बहुत उत्साह के साथ नागपुर शहर में जहां बहुत दिनों के बाद मैच का एक आयोजन हो रहा है यहां पे होगा. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.